क्वेश्चन नंबर 19 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, कुछ आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहां तक ये जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सी बुक? टीएस ग्रेवाल, एंड पेज नंबर 20.80, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनाना है। इनकी एडजस्टमेंट में पहला क्लोजिंग स्टॉक है। सबको मालूम है कि अगर दो प्राइस दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमें कौन सा प्राइस कंसिडर करना है? जो कम है, जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मालूम है सबको, वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस के साथ ऐड कर देंगे और साथ में वो लायबिलिटी हो जाएगी। सैलरीज अगर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज में ऐड कर देंगे और फिर से वो लायबिलिटीज हो जाएगी। ये सब मालूम है आप लोगों को। एक चीज जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये है कि मैनेजर का कमीशन देने को बोला गया है, 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ये बिफोर वाला है जो मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 में मैनेजर्स कमीशन का ब्रीफ दिया था, मैनेजर्स कमीशन बताया था कि कैसे निकाला जाता है, क्या लॉजिक है उसका, उसमें बिफोर और आफ्टर दोनों चीजें समझाई गई है। तो जिनको भी कंफ्यूजन है वो आप उसमें उस क्वेश्चन नंबर 13 के वीडियो में स्टार्टिंग में देखिए कि मैनेजर्स कमीशन बिफोर और आफ्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी हम आएंगे कि मैनेजर्स कमीशन का क्या करना है। तो बाकी चीजों में हम स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले लेना शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 70,000, ठीक। टू परचेजेस, परचेजेस क्या है? तो परचेजेस दिए हैं 2,60,000, 2,60,000, ठीक है। साथ में रिटर्न भी दिया है। अच्छा, जब रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड लिखा होता है तो कौन सा रिटर्न जो है वो परचेज रिटर्न होता है, कौन सा सेल्स रिटर्न होता है? अगर आपका रिटर्न इनवर्ड लिखा है और रिटर्न आउटवर्ड लिखा है तो किसको आप परचेज रिटर्न बोलते हैं, किसको सेल्स रिटर्न? आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है और इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है ना? बात समझ आ गई? आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है और इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। या तो ये याद कर लेना या समझ लेना कि आपने जो परचेज किया था वो बाहर जाके रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो वो परचेज रिटर्न है। या इसका एक और तरीका है याद करने का कि परचेज रिटर्न जो होगा ना वो हमेशा क्रेडिट में दिया होगा। क्या? परचेज रिटर्न क्रेडिट में दिया होगा और सेल्स रिटर्न डेबिट में। फिर वो चाहे रिटर्न इनवर्ड हो और रिटर्न आउटवर्ड, आप समझ जाओगे कि कहां पर दिया है। रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट में होगा और रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट में होगा, ठीक है। तो अगर नाम नहीं याद रह पाता है कि इनवर्ड आउटवर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है तो कैसे याद रखना कि जो परचेज के साथ माइनस करना है हमें रिटर्न, वो हमें क्रेडिट में मिलेगा, ठीक है। और अगर जो सेल्स के साथ माइनस करना है वो कहां मिलेगा? वो हमें डेबिट में मिलेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, किसी भी तरीके से इस चीज को याद रख लेना कि आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, इनवर्ड सेल्स रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न दिया है यानी रिटर्न आउटवर्ड दिया है कितना? 7,000, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड दिया है 7,000, ठीक। अब ये आ गया आपका 2,53,000। अभी भी मैंने इसको अंदर ही रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4, उसको पढ़ेंगे। उसमें लिखा है परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 ऑन 1st October 2020। ये जो परचेज है इसमें हमने एक मशीनरी का परचेज भी जोड़ दिया है, ठीक है। अब ये परचेज तो गुड्स का है और मशीनरी का परचेज एसेट का परचेज हो गया, तो एसेट के परचेज को हम नहीं जोड़ते हैं, तो हमने जोड़ दिया है। ये बात हमें बाद में पता चली, इसलिए हमने नीचे एडजस्टमेंट में
लिख दिया। तो अब हम फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो मशीनरी के परचेज को यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, हमें मशीनरी के परचेज से कोई मतलब नहीं है, तो मशीनरी का परचेज हम यहां से माइनस कर देंगे। ठीक, तो अभी हो गया आपका 2,43,000। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। अब अच्छा, ये जो परचेज ऑफ मशीनरी है एडजस्टमेंट में दिया है, और एडजस्टमेंट की चीजें दो जगह जाती हैं, एक यहां पर हो गया, दूसरा कहां जाएगा, दूसरा ये मशीनरी जब आएगा बैलेंस शीट में तो उसमें हम ऐड कर देंगे कि 10,000 रुपए की और मशीनरी खरीदी गई थी। ठीक, ये हो गया परचेज। देन उसके बाद क्या है, सेल्स देख लेते हैं, सेल्स कितना है, सेल्स भी है और सेल्स रिटर्न भी है, माइनस रिटर्न। तो सेल्स है 4,00,000, सेल्स है 4,00,000 और सेल्स रिटर्न है 8,000, यानी रिटर्न इनवर्ड है 8,000, तो ये कितना हो गया 3,92,000। और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, और बीच में देख लेते हैं वेजेस, कुछ और भी चीजें हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, दोनों में से जो कम प्राइस होगा वो लेंगे हम, तो दोनों में से कम प्राइस कौन सा है, 35,000, 37,000 और 35,000 में से 35,000 लेंगे। एक चीज और है कैरिज, कैरिज में अगर ना लिखा हो इनवर्ड है या आउटवर्ड तो हम उसे ट्रेडिंग में लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखा है कि इनवर्ड है आउटवर्ड तो हम उसे क्या करेंगे, ट्रेडिंग में लेकर जाएंगे। ये आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, आपको सिंपल अब इसको, अच्छा वेजेस भी है, सॉरी एक चीज रह गई, वेजेस, और वेजेस के साथ एक एडजस्टमेंट भी है। तो वेजेस है हाउ मच, 50,000, 50,000 तो वेजेस है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000, आउटस्टैंडिंग में जो 6,000 है तो ये प्लस हो जाएगा आपका 56,000। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हुआ ट्रेडिंग में, हमने सब कुछ डाल दिया है, कैरेज परचेज वेजेस ओपनिंग स्टॉक, यस अब सब कुछ चला गया है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करिए, टोटल करेंगे हम, कितना आ रहा है टोटल, 4,27,000 आ रहा है, और जब इसका डेबिट का टोटल हम माइनस करेंगे 4,27,000 में से, तो हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 53,000। ठीक है, 53,000 आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, ये बिल्कुल आ रहा है इतना ही मैंने कर रखा है। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को मेरा ट्रांसफर कर देंगे, ब्रॉड डाउन 53,000। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज जाएगी, ऊपर से ट्रायल बैलेंस देखते हुए आएंगे हम, डिस्काउंट अलाउड जाएगा। सबसे पहली चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस की दी हुई है वो है डिस्काउंट अलाउड। ठीक, ये कितना है, डिस्काउंट अलाउड है 7,000, और उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम है। ठीक है, क्रेडिट साइड में जाएगा और ये है 6,000। ओके, देन कमीशन, कमीशन जाएगा 15,000 कमीशन है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो होता है वो लाइबिलिटीज होती है, लेकिन बैंक लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सिर्फ बैंक लोन अगर है तो वो क्या होगा, वो लाइबिलिटीज होगी, लेकिन बैंक लोन पे कोई इंटरेस्ट है तो वो कहां आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब इसको देखो आप लोग, ये लिखा है शायद 12,000, एम आई राइट, ये लिखा है 12,000 अमाउंट में, मैंने अंदर लिखा है अभी क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, और बैंक लोन जो लिखा है वो ऐसा लिखा है 10%
बैंक लोन, ठीक है, टेकन ऑन 1 अप्रैल 2020, यही ट्रायल बैलेंस में ही ये बैंक लोन लिखा है ना, और इसका अमाउंट लिखा है 1,50,000। बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आ गई। ये आपके ट्रायल बैलेंस में ही इतनी बात लिखी है, और ये भी लिखा है आपके ट्रायल बैलेंस में कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, 12,000। क्लियर? तो अब देखो यहां पर कि इंटरेस्ट एक्चुअल में आना, जब भी ऐसा बैंक लोन आपको पूरा परसेंटेज के साथ और डेट के साथ दिया होगा, तो आपको पहले कैलकुलेट करके चेक करना है कि एक्चुअली बैंक लोन का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या करोगे भाई, 1 अप्रैल से है और ये आप बना रहे हो 31 मार्च तक। कब बना रहे हो? 31 मार्च, है ना? तो यानी पूरे एक साल का ही इंटरेस्ट निकालना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मंथ 6 महीने 8 महीने का नहीं निकालना है, अप्रैल से मार्च पूरे एक साल का निकलेगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। पर कितना परसेंट है? 10%। तो 1,50,000 का 10% कितना आना चाहिए इंटरेस्ट? 15,000 आना चाहिए। ठीक है, 15,000 आना चाहिए। पर इंटरेस्ट दिया कितना है आपके ट्रायल बैलेंस में? दिया है 12,000। इसका मतलब कि 3,000 जो इंटरेस्ट है वो अभी पे नहीं हुआ है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपका 12,000 ऑलरेडी दिया है, टोटल इंटरेस्ट 15,000 जाएगा इस साल का, लेकिन खाली दिया गया 12,000, बाकी 3,000 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। आई बात समझ में? तो अब आप इसको क्या करोगे? 15,000 करोगे। ठीक है, समझ आ गया? आप इसको वो ढंग से बैंक लोन 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000 15,000 ऐसे करके लिखना है आपको। क्लियर? तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इसके बाद फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन या न्यू प्रोविजन? जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, है ना, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। व्हाट विल क्या कॉल दैट? ओल्ड प्रोविजन। तो ये दिया हुआ है आपका 13,000 रुपए, 13,000 दिया हुआ है ओल्ड प्रोविजन। क्लियर? और एडजस्टमेंट में बोला गया है कि डेटर्स इंक्लूड बैड डेब्ट्स ऑफ 2000। डेटर्स क्या कर रहे हैं? बैड डेब्ट्स। डेटर्स में क्या है? बैड डेब्ट्स है किसका? 2000 का। ठीक, और मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन एट 10% ऑन डेटर्स। एक और प्रोविजन आपको बनाने बोला गया है, 10% ऑन डेटर्स का प्रोविजन बनाना है, ये बात बोली गई है। ठीक है, अब जो ये एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन बनाने बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। ठीक है, जो एडजस्टमेंट में बोला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू प्रोविजन। ठीक, अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने कैसे किया है? हमने किया है कि बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये काम किया है हमने। तो हम यहां भी ऐसा कर सकते हैं, बैड डेब्ट प्लस ओल्ड प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये बैड डेब्ट है ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है। इसके पहले हमने जब भी किया है, हमने पुराने बैड डेब्ट के साथ ऐसा काम किया है कि बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। हमने नए जो एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है उसके साथ ऐसा काम नहीं करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेब्ट। याद है ना, फर्दर बैड डेब्ट। एडजस्टमेंट वाले बैड डेब्ट को हम बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट। तो फर्दर बैड डेब्ट को आप चुपचाप यहां लिख दो पहली बात। ठीक, फर्दर बैड डेब्ट को आप लिख दो यहां पर 2,000 रुपए। क्लियर हो गई इसकी बात? और ये न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन को क्या करना है? देखो, रूल क्या था कि न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करते हैं, वो जो भी आएगा हम यहां लिख देते हैं, यही होता है ना, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करते हैं। पहली बात, न्यू प्रोविजन कितना निकला पहले तो हमें यह समझना है कि न्यू प्रोविजन कितना निकला। तो डेटर्स कितना है आपका? अब डेटर्स का अमाउंट भी तो फाइंड आउट करोगे आप, डेटर्स कितना है? सो डेटर्स इज, वेयर इज डेटर्स? 50,000। तो आपके डेटर्स जो है वो 50,000 के हैं। ठीक,
50,000 के डेटर्स हैं। आप न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करोगे? 50,000 माइनस जो भी एडजस्टमेंट में चीजें दी हुई हैं उसको माइनस करोगे और तब प्रोविजन कैलकुलेट करोगे। एडजस्टमेंट में जो कुछ भी दिया हुआ है वो माइनस करोगे डेटर्स में से और तब प्रोविजन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तब उसका डेटर से निकालोगे। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, ये फर्दर बैड डेट्स दिया हुआ है, तो हम एडजस्टमेंट का क्या करेंगे, 50,000 में से ये 2,000 निकाल देंगे, आया 48,000। अब इस 48,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इस 48,000 का 10% यानी 4800, तो हमारा न्यू प्रोविजन कितना आ गया, 4800। बात समझ आ गई मेरी, मैं क्या बोल रही हूं कि हमें डेटर्स में से जब हमें न्यू प्रोविजन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी चीजें एडजस्टमेंट में दी होती हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है उसके बाद ये प्रोविजन निकालते हैं, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, फर्दर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया है, तो हम इस डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आया 48,000, और उस पर हम 10% का न्यू प्रोविजन निकाल देंगे, यानी न्यू प्रोविजन हमारा कितना हो गया 4800। अब आपके पास दो फिगर्स रह गए, क्या रह गए, ओल्ड प्रोविजन 13,000, ओल्ड प्रोविजन 13,000 और न्यू प्रोविजन 4800। बात समझ आ गई सबको, न्यू प्रोविजन 4800, ठीक। अब आपका रूल तो ये बोलता है कि आपको न्यू माइनस ओल्ड करना होता है, करना ये होता है, लेकिन यहां पर जब न्यू माइनस ओल्ड करने जाओगे और यहां पर लिखोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, आएगा ना, न्यू माइनस ओल्ड करोगे यानी 4800 माइनस 13,000, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, है ना, 8,200 तो आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, क्लियर है, न्यू माइनस ओल्ड आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहां नेगेटिव में लिखने के बजाय क्या करना होता है, हम यहां लिख देंगे लेकिन पॉजिटिव में लिख देंगे, ठीक है, हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। तो यहां पर अब आपका जो प्रोविजन, फाइनल प्रोविजन बना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, वो कितना बना 8,200। हमें यहां नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं, हम यहां नेगेटिव में लिखते उसके बदले हमने क्रेडिट साइड में साइड चेंज कर दिया और पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोविजन। अब आ जाओ सैलरीज पे, टू सैलरीज, सैलरीज में देख लो कि 45,000 है और प्लस 5,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, 45,000 डी है सैलरीज और 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरीज कितनी हो गई 50,000, ठीक है, यहां तक क्लियर। एडवर्टाइजमेंट 15,000, एडवर्टाइजमेंट 15,000, ओके। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 13,000, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीजें सही सही डाल दी हैं, आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग। अब इसके बाद क्या बचा, रेंट एंड टैक्सेस के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस में से सब कुछ हो गया है, अब हमारा काम क्या है, एडजस्टमेंट देखने का, कि एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक यहां जाता नहीं है, वेजेस और सैलरीज हमने कर लिया है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बच रहा है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या चीज, डेप्रिसिएशन की कितना आएगा, डेप्रिसिएशन ये भी आपको समझना होगा, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला गया है, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना, 2.5% यानी 2.5%, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, इट इज 98,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग में आप 98,000 का 2.5% निकाल लो, ठीक है, 2.5% लैंड एंड बिल्डिंग में आप निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, ये आएगा 2450, ओके।
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसके लिए आप रुक जाओ, पहले फर्नीचर का निकालो फिर प्लांट एंड मशीनरी बनाती हूँ। फर्नीचर पे 15% निकालना है। कितने का है फर्नीचर? फर्नीचर है कितने का? ये है 55,000 का। तो 55,000 का 15% कितना आएगा? 55,000 का 15% आएगा 8250। ठीक, तो हमने फर्नीचर का भी निकाल लिया, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। इसका अमाउंट क्या है प्लांट एंड मशीनरी का? 205,000। ठीक है, यही अमाउंट है 205,000। ओके, क्लियर। तो ये प्लांट एंड मशीनरी 205,000 तो है, इसका तो हमें 10% निकालने बोला गया है, तो हम इसका 10% निकाल देंगे। ये आ जाएगा 20,500। ठीक है, ये आ जाएगा 20,500। साथ में एक एडजस्टमेंट में भी क्या लिखा था कि 10,000 रुपए की मशीनरी और खरीदी गई, जो हमने इसमें तो जोड़ी नहीं कि इसमें हो सकती है वो मशीनरी, हमने तो वो परचेज मान लिया था ना, गुड्स का परचेज मान लिया, एक्चुअल में क्या था वो मशीनरी था। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में ये लिखा है कि 10,000 रुपए की मशीनरी कब खरीदी गई? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। कितना महीना? 6 महीना, 6 मंथ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने 10,000 रुपए की मशीनरी और खरीदी थी जिसका ड्यूरेशन भी 6 मंथ का हुआ है, जो आपने मशीनरी में नहीं जोड़ रखा था। ठीक, तो आप इस 10,000 का भी डेप्रिसिएशन निकालोगे जो आपने मशीनरी खरीदी थी। कितने ड्यूरेशन का निकालोगे? 6 मंथ का सिर्फ। तो 10,000 × 10/100 × 6/12, 10% और 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के लिए 6/12, 10% के लिए 10/100। क्लियर, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 500 रुपए। तो आपका प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन 20,500 प्लस 500, यानी कितना? 21,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे आपका टोटल डेप्रिसिएशन 21,000। और अब हम तीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों यानी फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी का कितना आएगा? सो 2450 प्लस 8250 प्लस 21,000, ये आ रहा है 31,700। तो आपका पूरा डेप्रिसिएशन आया कितना? 31,700। क्लियर, तो हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया। आई होप अब कुछ नहीं रह गया, सब समझ आ गया, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब बोला गया है कि मैनेजर का कमीशन देना है ना प्रॉफिट पे, तो उसके लिए प्रॉफिट निकालो, पहले प्रॉफिट तो निकालो। तो जब आप प्रॉफिट निकालने जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि यहां पर प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, यहां पर तो लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। और जब लॉस आ रहा है तो मैनेजर को किस बात का कमीशन दे? हमने प्रॉफिट पर देने की बात की थी, लॉस पे देने की बात नहीं की थी। तो जब हम लॉस निकालेंगे तो हमारा लॉस किस तरफ आएगा? क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है। ठीक है, तो हम जब लॉस कैलकुलेट करेंगे तो हम लॉस किधर लिखेंगे? इस तरफ। ठीक है, देख लेते हैं कि कितना आ रहा है हमारा लॉस। ये हमारा लॉस आ रहा है। ठीक, 81,500। ओके, बात समझ आ गई। तो हमारा क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, और क्या बन गया? ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे? अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कितना है?
350,000, कैपिटल 350,000 है और नेट लॉस आया था, जैसे प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं वैसे ही लॉस को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है और लॉस कैपिटल को कम कर देता है, ठीक है, तो लॉस को हम माइनस कर देंगे। ऑलराइट, माइनस कर दिया। अब इसमें ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स कितना है 15,000, तो 15,000 का ड्रॉइंग्स हो गया, ठीक, ये काम हमने कर लिया। अब आ जाते हैं लाइन से, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 2,05,000, इसमें हमने प्लस न्यू मशीनरी खरीदी थी हमने कितने की, 10,000 की, तो ये कितना हो गया 2,15,000, ठीक। और इसमें से अब डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज किया था, जब हमने अभी कैलकुलेट किया था पूरा डेप्रिसिएशन, वो आप एक जगह लिख के रखे रहोगे ताकि आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। तो आपने लास्ट टाइम जो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया था प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो था 21,000, तो 21,000 डेप्रिसिएशन हो गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फाइनल अमाउंट इसका आएगा 1,94,000, ठीक। अब डेटर्स पे आ जाते हैं, सेकेंड इज डेटर्स, डेटर्स कितना है 50,000, इसमें से जो फर्दर बैड डेट्स दिया है एडजस्टमेंट में वो सब ट्रैक करेंगे ऑब्वियसली 48,000, और जो प्रोविजन निकाला था हमने कौन सा, न्यू प्रोविजन, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो न्यू प्रोविजन दिया है ना, एडजस्टमेंट में न्यू माइनस ओल्ड नहीं करने को बोला है, तो हमें एडजस्टमेंट वाली चीज को ही माइनस करनी है और किसी चीज को हमें माइनस नहीं करना है, क्लियर। तो एडजस्टमेंट में जो हमने न्यू प्रोविजन निकाला था वो कितना था 4,800, याद है ना कि 50,000 माइनस 2,000 48,000 आया था, और इसका 10% निकालना था हमें न्यू प्रोविजन, तो 4,800 आया था, ठीक है। तो डेटर्स में से ये न्यू प्रोविजन को हम माइनस करेंगे तो आएगा 43,200, ठीक। अब डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स है 28,000, क्रेडिटर्स कहां पर आएगा, लायबिलिटी में, ठीक। देन इसके बाद आ जाते हैं बचा फर्नीचर, बीच का कुछ भी नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, सीधे आया फर्नीचर, और फर्नीचर एसेट हो गया, एसेट 55,000 था अमाउंट, और डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने फर्नीचर पर, ये आपका अलग लिखा होगा कहीं पर, आपको सीधे सीधे वो अमाउंट पुट अप कर देना, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। 8,250 आया था आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो 8,250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,6,750, ठीक। फर्नीचर के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का काम हो गया है, हमें नहीं करना है, वेजेस सैलरीज एडवर्टाइजमेंट रेंट एंड टैक्सेस इन सबसे कोई मतलब नहीं है, सेल्स स्टॉक इनसे मतलब नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग, अब आ गया क्या लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट है और कितना डेप्रिसिएशन है, 98,000 अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का, और डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 2,450, ठीक, तो अमाउंट आएगा 95,550, ठीक है, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। इसके बाद कैश इन हैंड 8,000, कैश इन हैंड 8,000, कैश एट बैंक कितना है 20,000, 20,000, और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 35,000। अब एक चीज क्या रह गई, पहले तो हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, उसके बाद सबको दिख रहा होगा कि जीएसटी तो मैंने छोड़ ही दिया, बता रही हूं जीएसटी, पहले हम एडजस्टमेंट देख लेंगे, कुछ छूट तो नहीं रहा है। क्लोजिंग स्टॉक पहला है, डाल दिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब कहां आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी में हो जाएगा, सारी आउटस्टैंडिंग चीज लाइबिलिटी होती है, 6,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लाइबिलिटी होगी, जो भी आउटस्टैंडिंग है दैट इज लाइबिलिटी, तो 6,000 और 5,000 ये हो गया,
डेप्रिसिएशन का काम हो गया, मशीनरी वाला हमने मशीनरी में ऐड कर लिया जो परचेज किया था, डेटर्स का काम हो गया, मैनेजर ने कमीशन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब बचा जीएसटी, अब देखते हैं हम जीएसटी में क्या दिया है आपका। जीएसटी में आउटपुट और इनपुट क्या दिया है, सो आउटपुट दिया है, आउटपुट आईजीएसटी इज गिवन, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी है ना, आईजीएसटी दिया है 15,000, ओके, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है 9,000 और 9,000, यानी आपको आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं दिया और इनपुट आईजीएसटी नहीं दिया, क्लियर। अब हमें कैसे रूल कौन सा लगाना होता है, हमें कैसे पता करना है, हमें आईजीएसटी से पता करना है कि आउटपुट ज्यादा है या इनपुट, तो आईजीएसटी में क्लियर है कि आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है, इनपुट तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू में क्या करना होता है हमें कि भाई पहले तो हम 15,000 रुपए, ये आईजीएसटी है, यहां पर कुछ नहीं है सेट ऑफ करने के लिए, अगर यहां पर होता तो हम पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ कर लेते आपस में और एसजीएसटी को भी आपस में सेट ऑफ कर लेते, फिर इनका अगर कुछ इनपुट बचता तो हम आईजीएसटी को सेट ऑफ कर लेते, क्लियर है, लेकिन यहां पर कुछ है ही नहीं, इनके पास इनका आउटपुट नहीं है, इनके पास इनका आउटपुट नहीं और इनके पास इनका इनपुट नहीं है, ठीक, तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ फ्रॉम इनपुट सीजीएसटी, पहले सीजीएसटी को ही करते हैं यूज, अगर उससे नहीं हो पा रहे तब एसजीएसटी को यूज करते हैं, यहां पर बैलेंस आप लोग का इतना ही इतना आ जाएगा, ये बैलेंस आप लिख ले हो ऐसे, बैलेंस 15,000 जो आउटपुट है उसको ब्रैकेट में रखना, देन 9,000 ये इनपुट है और ये भी इनपुट है, ठीक, तो अब आउटपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ हम किससे कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी से, इनपुट सीजीएसटी कितना है 9,000, तो 9,000 से जब हम सेट ऑफ करेंगे तो यहां पर बैलेंस कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6,000, 6,000 रुपए, ये 6,000 आउटपुट है या इनपुट है, इनपुट तो पूरा खत्म हो गया यानी आउटपुट अभी भी बचा हुआ है, तो ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट आईजीएसटी अभी भी बचा हुआ है, ये सीजीएसटी हमने एग्जॉस्ट कर लिया, यूज कर लिया और यहां पर सीजीएसटी हो गया निल, ठीक, सीजीएसटी हो गया निल और एसजीएसटी अभी एज इट इज पूरा पूरा बचा हुआ है, अभी हमने एसजीएसटी का काम नहीं किया। अब हम आउटपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करेंगे किससे, इनपुट एसजीएसटी से, भाई सीजीएसटी तो हमने खत्म कर ली तो हम एसजीएसटी को यूज कर लें, तो एसजीएसटी से निकाल के लाएंगे कितना, यहां पर 6,000 है, यहां पर 9,000 है, तो हम लाएंगे कितना, 6,000 लेकर आएंगे, ठीक है, जितना हमें जरूरत है आईजीएसटी को उतना ही तो देंगे, बाकी तो रहेगा ना स्टेट के पास, ठीक है, तो हमने 6,000 दे दिया, तो ये हो गया निल, हमने आईजीएसटी को कर दिया निल, सीजीएसटी ऑलरेडी है निल और यहां से गया है 6,000, तो यहां पर बचा है 3,000, ठीक है, अब ये 3,000 क्या है, इनपुट है या आउटपुट, इनपुट है क्योंकि इनपुट ही हमने यूज किया था और इनपुट का ही बैलेंस इतना चला गया है, इतना बचा हुआ है, यानी 3,000 जो आपका बैलेंस बचा ये इनपुट एसजीएसटी बचा, क्या बचा, इनपुट एसजीएसटी, आई बात समझ में, तो अब यहां पर आप डालेंगे इनपुट क्या होता है, एसेट होता है, तो आप इनपुट एसजीएसटी को एसेट साइड में डाल देंगे, बस पूरा क्वेश्चन डन, अब आपको टोटल करना है, ठीक है, टोटल आप लोग करिए, टोटल बिल्कुल सही आ रहा है 4,45,500, जिसको जीएसटी में कोई भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज एक बार जीएसटी के लेक्चर को खोल के देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।